आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले 9 दिनों से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। केंद्र सरकार ने भी कश्मीर के हालातों पर कड़ी नजर बनाई हुई है। कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। कश्मीर पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच अहम बैठक हुई है जिसमें सुरक्षा के मुद्दे पर गहनता से चर्चा की गई। तो वहीं आर्मी चीफ ने ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाला हुआ है। 2 दिनों के दौरे पर जम्मू पहुंचे आर्मी चीफ ने LOC के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और सेना के अधिकारियों से मुलाकात कर हालात पर बारीकी से जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ सेना से हारे आतंकी अब बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं और इस टारगेट किलिंग से जन्नत जख्मी है। आतंकियों के भय से जन्नत से मजदूरों का ये पलायन जो है वो भी लगातार जारी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, वो आपको बता दें। पुंछ में एक बार फिर सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज किया है और पुंछ के जिन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि सभी लोग अपने बच्चों के साथ घरों में चले जाएं। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो अपने घरों के अंदर जाएं। बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। अगर कोई घास काट रहा है उनको भी अपील की जाती है वो अपना काम कर छोड़कर अपने घरों में बंद हो जाए। एक मरतबा और आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र ने प्रियंका गांधी से बात की, सुन लेते हैं। क्या महिला शक्ति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता दिलाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि टिकटों में 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। ऐलान खुद कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने लखनऊ में किया और इस ऐलान के बाद खास बातचीत के लिए प्रियंका गांधी हमारे साथ हैं। मैम, पहला सवाल कि 40% का ये जो आप लोगों ने ऐलान किया है इसके पीछे क्या गणित है, क्या कैलकुलेशन है और 40% क्यों? आपने यही सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा 40% क्यों नहीं, शुरुआत तो कहीं से होनी है। तो कैलकुलेशन देखिए, ये बेसिकली एक भावना है। आपने कहा क्या महिला शक्ति कांग्रेस को सत्ता में ला सकती है, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला शक्ति महिला को सत्ता दे सकती है कि नहीं। क्योंकि आज जो पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं एक नफरत का बोलबाला है। सत्ता में आपने देखा कि सत्ता में आकर आप किसी को भी कुचल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पब्लिक में पूरी देख रही है आप कर रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है। घृणा है, नफरत है, समाज को बांटने की बात है। राजनीति होती है तो जाति और धर्म के नाम पर, उसके आधार पर होती है। तो जो महिला होती है, महिला समझदार बहुत होती है और करुणा भाव होता है महिला में, सेवा भाव होता है और एक ऐसी शक्ति होती है जो, सॉरी टू से, आप मर्दों में शायद पुरुषों में इतनी नहीं है। और हाँ, एक शक्ति है जिससे हम आगे बढ़ते हैं और हर महिला का कुछ ना कुछ संघर्ष हो सकता होता है, चाहे वो बड़े घर की हो, छोटे घर की हो, कुछ भी हो, हर महिला के जीवन में संघर्ष होता है और वो संघर्ष को बहुत अच्छी तरह से संभालती है, आगे बढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आने से जो करुणा है और जो एक महिला पॉलिटिक्स में ला सकती है, समाज को बदलने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा, वो सबसे ज़्यादा क्षमता मेरी महिलाओं में। प्रियंका जी, सैद्धांतिक बात जो आप कह रही हैं मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल राजनीतिक है कि 40% टिकट देकर आपका क्या कैलकुलेशन है, क्या आपका गणित है, आप कांग्रेस को फिलहाल कहाँ पाती हैं? 40% टिकट के ऐलान के बाद आप कांग्रेस को कहाँ पाती हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीति में सिद्धांत नहीं होने चाहिए, यही तो मैं कह रही हूँ जी कि आज की राजनीति में सिद्धांत कम हो गया है, खो गए हैं लोग सिद्धांतों को। तो क्यों ना हम एक कोशिश करें सिद्धांतों को राजनीति में वापस लाने की, क्यों नहीं? सवाल तो ये है कि ये यही सवाल एक्चुअली आपसे पहले जो आए थे उन्होंने कहा था कि एक आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, दो अलग चीज़ें हैं। नहीं, दो अलग चीज़ें नहीं हैं। एक आइडियलिज्म है, कोई नहीं कह सकता कि आप रियलिज्म इग्नोर करो, कोई नहीं कह सकता कि जो ज़मीनी परिस्थिति है उसको बगैर सोचे समझे आप सिर्फ एक आइडियलिस्टिक पाथ पे चल रहे हैं, और कोई उसका उल्टा भी नहीं कह सकता जी।
ठीक है, कि आप सिर्फ रियलिज्म में ही रहो, इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आपके साथ जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो ऐसा है, आप कभी बदलेगा नहीं, वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेने के लिए एक आइडिया है, एक शुरुआत है, उस शुरुआत से ही बदलाव आएगा। अगर आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे, कभी मौका ही नहीं दोगे, तो कैसे बदलाव आए? बिल्कुल, पहल बहुत अच्छी है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन लोग सवाल पूछेंगे कि इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, दो टर्म यूपीए रहा, उस वक्त भी 33% महिला आरक्षण की कोशिश हुई, लेकिन आप लोग नाकाम रहे, कानून नहीं बना पाए, और अब आजादी के 70 साल के बाद प्रियंका गांधी जब यूपी की प्रभारी बनती है तो 40% का ऐलान करती है, क्यों नहीं, इतनी देर क्यों लगी, आपको क्या लगता है? देखिए, समाज की परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जैसे आपने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन कोई उठ के एक कदम नहीं उठा सकता। अगर ऐसे ही हमने अब पूरी दुनिया की, अगर आप दुनिया के इतिहास में देखें, किसी ने कभी कोई आगे कदम नहीं उठाया होता तो आगे बढ़ती कैसी मानवता, इंसानियत की जो जो प्रोग्रेस है, जो आगे बढ़ना है, वो होता कैसे? ये जो 40% महिलाएँ लड़ेंगी कांग्रेस के टिकट पर, क्या 40% नेता हैं आपके पास कद्दावर लड़ने के लिए, या नेताओं के नाते रिश्तेदारों को हम देखेंगे चुनाव लड़ते हुए, क्योंकि महिला रिजर्वेशन के नाम पे इस देश में यही देखने को मिला है? देखिए, आप उसको भी डिसमिस नहीं कर सकते, आप डिसमिस नहीं कर सकते कि अगर कोई, ठीक है, किसी की बहन है या किसी की बीवी है, लड़ रही है, ठीक है, लड़ने दो, अगली बार सक्षम हो जाएगी, तो उसको डिसमिस करना ठीक नहीं है। लेकिन नेता बनेंगी जब आगे आएंगी, लड़ेंगी, हो सकता है जीतेंगी, हो सकता है हारेंगी, फिर भी नेता बनेंगी, लड़ने से ही तो बनता है नेता। एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में है, लेकिन वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं इस पर आखिरी में पूछना चाहता हूं कि ये आइडिया आपके दिमाग में या कांग्रेस के पास कब आया कि महिलाओं को 40% टिकट यूपी में देना है, और कितना विचार विमर्श किया आप लोगों ने? नहीं, बहुत विचार विमर्श किया, बहुत डिस्कशन भी हुए इस पे, मैं तो 50% के पक्ष में थी, लेकिन आइडिया ये तब से आया जब से मैं पिछले 2 सालों से मैं यूपी में काफ़ी मैंने दौरा किया, काफ़ी महिलाओं के भी इश्यूज उठाए, उन्नाव गई, हाथरस गई, और मैंने देखा कि लड़ रही हैं महिलाएं, जो उन्नाव की जो पीड़िता थी उसके परिवार ने मुझे बताया कि सुबह उठकर 6 बजे उठकर रोज़ ट्रेन में बैठकर रायबरेली जाती थी अपने केस को लड़ने के लिए, अकेले जाती थी, अपने पिताजी को कहा हुआ था कि आप मत आओ, मैं चली जाऊंगी, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूँगी। तो ये जो भावना है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमारे लिए लड़ेंगे, हम महिलाओं को समझना पड़ेगा कि अपनी लड़ाई हमें अपने आप लड़नी पड़ेगी। जब हम एक महिला को लड़ते हुए देखते हैं तो उसको कैटेगराइज करने के बजाय हमें एकदम से कहना चाहिए ये मेरी बहन है, ये मेरी लड़ाई भी लड़ रही है, सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं है, इसके संघर्ष में मैं शामिल हूँ, मैं इसके साथ खड़ी रहूँगी, ये भावना है इस सोच के। ठीक है प्रियंका जी, अब वो सवाल जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा आपसे, मैं भी पूछना चाहता हूँ, जो 40% टिकट महिलाओं को मिलने जा रहा है, क्या उसमें एक महिला से हम बात कर रहे हैं, क्या वो एक महिला उसमें से प्रियंका गांधी भी होंगी? सारे सवालों का जवाब आज ही चाहिए आपको। ये सबसे बड़ा सवाल है मैम, कि अगर 40% महिलाएं लड़ेंगी, क्या उसमें एक नाम प्रियंका गांधी का होगा? देखते हैं, आगे आगे देखते हैं कैसे परिस्थितियां बनती हैं। विचार कर रही हैं विधानसभा चुनाव लड़ने पर? क्यों नहीं करूंगी। किस सीट से चुनाव लड़ेंगी आप? अरे, विचार कर रही हूँ, देखते हैं विचार। या जो सीएम कैंडिडेट है, जो सीएम है, माफ करिए, योगी आदित्यनाथ, आप उनको चैलेंज करेंगे उनके बैस्टन में जाकर, कोई परंपरागत सीट परिवार? ये बातें मैं अभी तो आपको बता नहीं सकती क्योंकि इस पे कोई निर्णय नहीं, विचार चल रहा है। विचार, चुनाव है, क्यों नहीं चलेगा? और अगर चुनाव आप लड़ती हैं या नहीं भी लड़ती हैं, सीएम का चेहरा आप ही होंगी, क्योंकि चेहरा तो आप हैं, आप मुद्दे से हट गए। नहीं, मैं एक महिला से पूछ रहा हूँ कि क्या महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस देगी, महिला मुख्यमंत्री का चेहरा देगी? कुछ भी दे सकती है, आप देख लीजिए आगे क्या होता है। इस पर भी चल रही है सोच विचार? सोच विचार तो चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, चुनाव आ रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि और विपक्षी दल कहाँ दिखते हैं आपको, दिखते हैं संघर्ष करते हुए। 2 सालों में आपने किसी को देखा है संघर्ष करते हुए? आपने सिर्फ कांग्रेस को देखा है, तो लड़ रही है कांग्रेस। आपका निशाना समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि वही विपक्ष है यूपी में, आपने लड़ते हुए किसको देखा है? अगर जीतना है, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा ना, सड़क पे आना पड़ेगा, कहाँ है, कब दिखे हैं आपको? दिखे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कब नहीं, जब आप सीतापुर गेस्ट हाउस में थे तो अखिलेश यादव भी यहाँ सड़क पे, आप बताइए, जितनी भी महिलाएं की, महिलाओं की इश्यूज हैं,
क्या किसी और पार्टी ने उठाई हैं? आप CANRC के समय देखो, किसने इश्यूज उठाए सारे, किसने धरने दिए, कौन जो आपको मालूम है कि कांग्रेस के 18,700 से ज़्यादा कार्यकर्ता पिछले 1.5 साल में यूपी में 3 दिन से 3 महीनों के लिए जेल में रहे हैं। किसी और पार्टी के बताइए कितने रहे हैं जी। तो अगर जीतने के बारे में सोच रहे हैं, अगर कोई सोच रहा है कि ये लोग जितना हराएंगे भाजपा को या आगे आएंगे, तो उसके लिए पहले ये सोचिए ना कि लड़ कौन रहा है। आप ये कह रही हैं कि यूपी में जो मुख्य विपक्ष है विधानसभा में समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी BSP, उन्होंने वो अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई, आपका आरोप मैं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चुप बैठने से विपक्ष नहीं बनते, लड़ने से बनते हैं। जंग है, बगैर लड़े जीत नहीं सकते। चौथे नंबर की पार्टी है कांग्रेस इस वक्त यूपी में, कहाँ आप आंक रही हैं? आप भी 2 साल से मेहनत कर रही हैं, आपकी टीम मेहनत कर रही है, मैं खुद देख रहा हूँ, आंक कहाँ रही हैं अभी? क्या असेसमेंट है कांग्रेस कितनी सीटों पे जीतने जा रही है अगर अभी चुनाव हो जाए? मैं ज्योतिषी होती तो मैं बता देती, लेकिन ज्योतिषी तो मैं हूँ नहीं, लड़ रहे हम। असेसमेंट क्या है मैम आपका, बहुमत कांग्रेस को अपने दम पर मिल जाएगा? देखेंगे। एक सवाल पॉलिटिकल मैम, ये कहा जाता है कि कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ेगी, आपकी बनारस रैली में बहुत भीड़ आई, इसके बाद एक पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, इसका फायदा BJP को मिलेगा क्योंकि BJP के एंटी इनकमबेंसी वोट बढ़ जाएंगे, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप ड्राइंग रूम्स में बैठ के, स्टूडियोज में बैठ के चर्चा बहुत कर सकते हैं, जमीन पे आइए देखिए क्या हो रहा है। जमीन पे तो हम हैं, BJP को सीधी टक्कर 2 सालों से जमीन पे हम ही रहे हैं। तो BJP को सीधी टक्कर यूपी में कांग्रेस दे रही है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, आप बताइए ना कौन दे रहा है? अखिलेश यादव। आप बताइए कहाँ, कहाँ, कौन से धरने प्रदर्शन में देखा है उनको आपने? कहाँ पे देखा है लड़ते हुए, सड़क पे देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मायावती? मैंने नहीं देखा, ट्वीट पे देखा है जरूर। तो आपको लगता है कि आप जो सड़क पे संघर्ष कर रही हैं जनता के बीच, मुझे ये लगता है में आप कामयाब? मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए हैं, सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, कोरोना में सबसे ज्यादा राहत का काम कांग्रेस ने किया। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जेल गए हैं, यहाँ तक कि मैं भी एक दो बार हिरासत में लिया गया। तो ये दूसरों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? अगर वो लड़ रहे हैं, अगर ये असलियत है कि लड़ रहे हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में क्या कांग्रेस मुख्य विपक्ष बन गया है आपके नेतृत्व में? वो तो आप बताएंगे, पब्लिक बताएगी, पब्लिक चुनाव में पब्लिक बताएगी, पब्लिक बताएगी। आखिरी में प्रियंका जी, अलायंस को लेकर क्या बात हो रही है? क्योंकि कांग्रेस अलायंस के लिए किन पार्टियों से बात कर रही है? बड़ी पार्टियों से होगी अलायंस होगा या छोटी पार्टियों से होगा? अलायंस को लेकर आपका क्या गणित है? कांग्रेस लड़ रही है और पूरी निष्ठा से लड़ रही है। हमारी विचारधारा जो है वो हमें कभी, हम उस पर कभी समझौता नहीं कर सकते, हम डट के लड़ेंगे, पूरी तरह से लड़ेंगे। महिला आरक्षण, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा आपकी इजाजत से। महिला आरक्षण जो 40% आपने यूपी में ऐलान किया है, आरक्षण हिस्सेदारी, ठीक है, अब जो बाकी राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं, पंजाब है, उत्तराखंड है, बगल में यूपी के गोवा है, मणिपुर है, हर जगह से महिलाओं की डिमांड होगी कि अगर कांग्रेस यूपी में दे रही है तो क्या हमारे स्टेट में भी देगी? तो क्या आप दिलवाएंगी? मैं यूपी की प्रभारी हूँ, तो मेरा निर्णय यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए है। जो दूसरे प्रदेश में जो प्रभारी हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना निर्णय खुद लेंगे, क्योंकि आप लोगों को कांग्रेस हाई कमांड में गिना जाता है। मैं तो चाहूंगी कि महिला आगे बढ़े हर जगह, हर जगह कांग्रेस, बिल्कुल हर जगह चाहूंगी। और क्या 2024 में कांग्रेस में नहीं, मैं चाहूंगी कि भाजपा में आगे बढ़े, कि समाजवादी पार्टी में, बसपा में भी आगे बढ़े। 2024 में ये 40% 50% होगा, आशा तो यही है कम से कम उत्तर प्रदेश में। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी ने यूपी में चला है, 40% टिकट महिलाओं को देने का। प्रियंका गांधी का कहना है कि अगले चुनाव में 40% जो है वो आगे बढ़कर 50% भी हो सकता है, लेकिन क्या ये दांव चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? सड़क पर कांग्रेस संघर्ष करती हुई लड़ती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आपने सुना, ऐतिहासिक बता रही हैं इस कदम को कि 40% महिलाओं को टिकट उत्तर प्रदेश में चुनाव में दिया जाएगा। हालांकि नतीजे बताएंगे कि ये कितना सफल प्रयोग रहा। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में बेमौसम बरसात मुसीबत का सबब बन गई है। कुदरत का कहर उत्तराखंड पर यूं टूट रहा है मानो कुदरत उत्तराखंड से नाराज है। 6 तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से त्राहिमाम है। नैनीताल, कोटद्वार, चमोली, रामनगर, श्रीनगर, बद्रीनाथ,
अगर एक लाइन में कहें तो कुदरत की तबाही से उत्तराखंड में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बारिश से लोगों का हाल बेहाल है और मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। नैनीताल में बारिश की वजह से घरों में पानी भर गया है। रामनगर में 100 से ज्यादा लोग एक रिजॉर्ट में फंसे हुए हैं। यानी पूरा उत्तराखंड कुदरत की तबाही से इस समय जूझ रहा है। नैनीताल, कोटद्वार, चमोली, श्रीनगर, रामनगर, बद्रीनाथ, ये सभी उत्तराखंड से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेमौसम की बरसात और किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं ये आप देख सकते हैं। इस समय जबरदस्त तबाही इस बारिश के चलते उत्तराखंड को झेलनी पड़ रही है। कहीं बादल फट रहा है तो कहीं भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। और नैनीताल की अगर बात करें तो देशी नहीं विदेशी पर्यटकों का ये पसंदीदा पर्यटन स्थल है। नैनी झील में नौकायान करना हर पर्यटक की पहली पसंद होता है, लेकिन नैनी झील इस वक्त तूफान पर है। भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी बह रहा है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। सड़कों के ऊपर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई दरिया हो, बहाव इतना तेज जो शायद नदी में भी ना हो। और ये नैनी झील का शहर नैनीताल पर्यटकों की पहली पसंद और इस समय बारिश के चलते अस्त व्यस्त, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है इस बारिश के चलते। और अब बात रामनगर की करेंगे। रामनगर के लेमन ट्री रिसोर्ट की पार्किंग में भी दर्जनों गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। इस रिसोर्ट में करीब 100 लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन इन लोगों के रेस्क्यू की कोशिश में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक कोसी नदी का पानी इस रिसोर्ट में घुस गया है और रिसोर्ट का रास्ता बंद है। लोगों की दिक्कतों का अंदाजा लगाइए, गाड़ियाँ उनकी इस तरह से एक रिसोर्ट में फंसी हुई हैं, खुद वो उस रिसोर्ट में फंसे हुए हैं, घर जा नहीं सकते हैं। तो उत्तराखंड के रामनगर की ये तस्वीरें, भारी बारिश के चलते हर तरफ दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड के रामनगर में पानी का बहाव इतना तेज है कि भारी वजन होने के बावजूद रामनगर में कार ही बहती हुई नजर आई पानी। उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं सड़क के ऊपर से पानी इतनी तेज बह रहा है कि पूरी की पूरी गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है। नैनी झील का जो पानी है वो शहर में इस समय भीतर घुस आया है, घरों के अंदर घुस गया है, दुकानों के अंदर घुस गया है, जलमग्न। और ये देखिए इतनी भारी भरकम गाड़ी जो है बहाव इतना तेज कि उसमें बहती हुई नजर आई। तो लोहे के खंभे के चलते ये रुकी हुई है गाड़ी, तो बहाव देखिए आप कितना तेज है। आगे बढ़कर अब आपको उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर दिखा देते हैं। चमोली में भी लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आने से मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। ये देखिए पूरा का पूरा मकान गिर गया। भयावह तस्वीरें, डरा देने वाली ये तस्वीरें। चमोली की तस्वीर है, आप देखिए उत्तराखंड का चमोली, भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से ये घर क्षतिग्रस्त हुआ। और उत्तराखंड में अगर हम श्रीनगर की बात करें तो वहां भी लगभग ऐसे ही हालात हैं। पिछले 2 दिन से कुदरत यहां कहर बरपा रही है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं से उत्तराखंड में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में भी हालात बेहद चिंताजनक। लगातार बारिश के बाद अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां की हैं। नदी के आसपास सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तैनाती की गई है। इलाके को खाली करा लिया गया है। बहाव इतना तेज, डराने वाला बहाव ये उत्तराखंड का श्रीनगर इलाका।
तो ये उत्तराखंड के तमाम शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि बारिश के चलते किस तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है जीवन, बेमौसम की बरसात और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। और इसी तबाही के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बात करते हुए हालात पर चिंता भी जताई और कहा कि 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है इस बाढ़ बारिश के चलते, अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, शाम तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। सुन लेते हैं पुष्कर धामी ने क्या कुछ कहा। और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रास्तों में जो हमारे पर्यटक आए हुए हैं उनके लिए जहाँ रास्ते बंद हैं उनको भी हम निकाल रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि फिलहाल अभी यात्रा न करें। किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, उसके अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस आपदा की घड़ी में सभी लोग थोड़ा संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से, मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर रात्रि तक मौसम ठीक हो जाएगा तो स्थिति हमारी सब सामान्य हो जाएगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आपने सुना, पूरी नजर बनी हुई है, अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं और मौसम विभाग ने भी कहा है कि आज शाम तक मौसम ठीक हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।